वास्ते कूफियां नाल मुखातब हो के आवाज़ देंदे ने, कूफियो सुनो, देखो मैं कौन हूँ, नबी दा नवासा वम, मेरे नबी ने मेरे नाल किन्ना प्यार किया वम, ताकि उन्होंने पता लग जावे हुसैन दा की मुकाम हम, फातिमा तु जहरा दा लखते जिगर हम, अली उल मुर्तजा दा नूरे नजर हम, लोगो देखो मैं हुसैन हम, मेरे मुतलक मुस्तफा ने फरमाया जन्नत दे फूल ने जन्नत दा शहजादा वम, होश करो कल क्यामत आले दिन मेरे नाने दे सामने किस मुंह दे नाल शफात वास्ते हाजिर होवोगे, की मुंह लेके जावोगे, अगर मेरे नाने ने पूछा जवाब की दवोगे, अगों ही कोई आवाज़ आती है हुसैन सारिया गल्लां खत्म करो, यजीद दी बैत कर लो, हर शह छड़ दिती जावेगी, पानी भी मिल जाएगा, हर पासे तेरे वास्ते सहूलत होनगियां, हुसैन दा खून जोश विच आंदा, फरमायो बेईमान अगर मैं यजीद दी बैत करनी होंदी फिर एक खानदान कुरबान करन तो पहले कर लैंदा, ऐसा नहीं हो सकदा, हर शह कुरबान बान कर देवांगा मगर यजीद दी बैत नहीं करांगा। उन्हें आख्या हुसैन फिर आओ मुकाबले च, इमाम हुसैन जरा सोचो अपनी अपनी ध्यान करके जरा गल नूं ज़हन च लियाओ, सुबह तो लैके मुसलमान जुमे दा दिन ए टाइम हो जांदा वंग, हुसैन दे सामने किन्नियां शहादतां होईयां ने, किन्नियां कुर्बानियां हुईयां ने, किसे घर दा एक नौजवान बेटा शहीद हो जांदा है, फौत हो जांदा वा, मां बाप दे कोलों हिलिया नहीं जांदा, बाईयां दे कोलों चलिया नहीं जांदा, की हाल हुंदा वा भैणा दा, जिस मां दा बेटा चले जावे, भैण दा भाई शहीद हो जावे या फौत हो जांदा वा, उन्हां दा की हाल होवेगा, जरा अंदाजा करो हुसैन किन्ना अजमत वाला इंसान आ, किन्ना बहादुर मुस्तफा दी गोदी दे अंदर खेलन वाला, इन्ना कुछ होने के बावजूद भी हुसैन अपनी जगह ते इस्तकामत दा पहाड़ हम, अपनी गलते मजबूत हम, जो इन्नी बात होंदी है आख्या खैमे वालियो सुनो, मेरा इम्तिहान खत्म होने वाला वा, त्याडा इम्तिहान शुरू होने वाला वा, ए सैयदा जैनब अज मैं आखिरी बार तेरे नाल मुलाकात करने तो बाद हमेशा लई जुदा हो रहा, ख्याल करना इन्हां बीबियां दा परदे दा, ख्याल करना बच्चियां दा, ख्याल करना जैनब मेरे तो बाद तेरिया भी इम्तिहान दियां तैयारियां ने, कई परेशानियां आन गियां मगर अल्लाह दी रज़ा ते राजी रहंदे होयां हर शय नूं बर्दाश्त करना, सही दर्ज कर दियां कौ सैन घबराओ नहीं परेशान ना होवो, जे तुसी अपनी जगह ते इम्तिहान दे अंदर कामयाब हो के जा रहे हो, मैं नबी दी बेटी हाँ, सईदा फातिमा तु जहरा दी लिखते जिगर, ऐसी बात नहीं होवेगी जिदी वजह तो कोई इतराज कर सके, परदे दा ख्याल करांगे, सबर दा दामन हत्थों नहीं जान दवांगे, हुसैन तैयार हुंदे ने खैमे वालियां नूं अलविदा कहण तो बाद सवारी ते सवार होण लगदे ने, यूं ही घोड़े ते सवार हुंदे ने, हथ दे अंदर शमशीरे हैदरी पकड़ी हुई है, सोचदे ने कि जदों मेरा अब्बास गया घोड़े ते मैं सवार कराया, अली अकबर गया घोड़े ते मैं सवार गया, मेरे भाई जांदे रहे सारियां नूं मैं सवार करां के अलविदा करके करबला वल भेजदा रहा वा, हुण हुसैन कल्ला रह गया वा, बीबी कहन लगी भाई घबरा ना परेशान ना हो, मैं तेनू अलविदा करनी हाँ, आओ आका हुसैन तुसी घोड़े ते बैठो अलविदा करनी हाँ, अल्लाह दी सपुरद करनी हाँ, इमाम हुसैन जाके फिर उन्हां कूफियां दे नाल मुकाबला करदे ने, कई कूफियां नूं वासले जहन्नम कीता, वासले जहन्नम करन तो बाद बार बार कह रहे ने लोगो देखो मैं कौन हाँ, मेरे मुकाम नूं समझो, मैं नबी दा नवासा वां, इस कायनात दे अंदर सिर्फ मेरे तो अलावा किसे नबी दी औलाद कोई नहीं, किसे नबी दा बेटा कोई नहीं, किसे नबी दा नवासा कोई नहीं, तुसीं खुश नसीब हो तुहाडे सामने नबी दा नवासा मौजूद, मगर उन्हां दे सामने हजाब आ गया, उन्हां दे सामने अंधेरा आ गया, जुलमत दे अंदर गर्क हो गए ने, मुकाम हुसैन नूं समझण दी कोशिश नहीं करदे, हत्ता कि उन्हें आख्या हुसैन
हुसैन हुण तुसीं लड़न की तैयारी करो, मुकाबले अंदर आए हो, इक्को रोखा यजीद की हुक्मरानी या लड़न वास्ते तैयार। इमामी अली मुकाम इमामी हुसैन उन्हों का मुकाबला करते हैं, जिसम से कई जख्म आते हैं, तलवारां चलदियां ने, तीर चलते हैं। आखिर नवासा रसूल अपनी सवारी तो नीचे तशरीफ लै आते हैं। तीन दिन के प्यासे सन, दराए सन, खादा भी कुछ नहीं, और इतने सदमे उठाने तो बाद आखिर हुसैन करबला दी रेत जमीन ते आते हैं। नमाज का टाइम आता वन, इधरों जुमे की अजान होंगी है, जुमे की अजान की आवाज़ हुसैन सुनते हैं, तयम्मम किया हो उस तरीके दे नाल नमाज शुरू करते हैं। अपना सर मुबारक सजदे के अंदर रखिया, यूं ही हुसैन सजदे के अंदर जाते हैं। शिमर अगे बढ़ता वा, हुसैन का सर कलम कर दिता जाता वा। सजदे की हालत के अंदर हुसैन जामे शहादत नोश करते हैं, मुसलमानों हुसैन शहीद होंगे ने। कायनात के अंदर हर पास परेशानी नज़र आती है, फरिश्तियां दियां रोण दी आवाज़ा आंदियां ने, जन्नात दे रोण दी आवाज़ा आंदियां ने, जमीन ते जलजला आ जाता वा, हत्ता के दिने अंधेरा हो जाता वा। इंज महसूस हुंदा वा जिवें क्यामत बरपा कर दिती गई है, आसमान तो खून की बारिश हुंदी है। मुल्के शाम के अंदर जिहड़ा भी पत्थर उठाया जाता वा, उहदे अंदरों खून निकलता वा। इंज लगता वा हुसैन की शहादत दे टाइम आसमान भी रो रहा वा, जमीन भी रो रही है, पत्थर भी रो रहे ने, दरख्त भी रो रहे ने, इंसान दियां चीखां निकलदियां ने। मौला इतना बड़ा जुलम, इतना बड़ा जुलम, और फिर जुलम की यह दास्तान इत्थे ख़त्म नहीं हो जाती। शहादत तो बाद यह दास्तान अगे चलती है, हुसैन की शहादत तो बाद इंज महसूस हुंदा वा जिवें जिंदगी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला दी रज़ा ते राज़ी रहिंदियां आका हुसैन सब कुछ कुर्बान करते ने। टाइम रात का हो जाता वा, यजीदी अपना जश्न मनाते ने, इधरों तो ढोल खड़क जाते ने, फतह के नगारे वज जाते ने। बीबियां अपने खैमिया के अंदर अपने बाप नू रो के, भाई नू रो के, कोई शौहर नू रो के अपना गम हल्का कर रही ने, मगर कोई भी दिलासा देने वाला नहीं। परदेसी ने मुसाफर आ रात कुछ जो अद्धी होंगी है, इस अद्धी रात के टाइम इमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करबला के अंदर ज़ियारत होंगी है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा मदीना पाक के अंदर दोपहर का टाइम, दस मुहर्रम का दिन, खाना खाने तो बाद थोड़ी देर वास्ते आराम कर लेंदियां ने। ख्वाब के अंदर मुस्तफा की ज़ियारत होंगी है, देखदियाँ की ने अल्लाह का नबी बड़ा परेशान आ, जुल्फां के अंदर गर्दो गबार, दाढ़ी मुबारक ते गर्दो गबार, कपड़ियां के अंदर खून महसूस हो रहा। उम्मुल मोमिनीन अर्ज़ कर दियां ने आका अज तुहाडी हालत है क्यों वा, तुहाडे कपड़ियां ते खून नज़र आ रहा, दाढ़ी मुबारक जुल्फां के अंदर गर्दो गबार क्यों वा। फरमाया सलमा की पुछनी है, अज मेरा हुसैन करबला दे मैदान शहीद हो गया वा, अज सारी दिहाड़ी मैं करबला दे मैदान दे अंदर गुजारी है, उन्हां दा खूनी मंजर, उन्हां दा इम्तिहान मैं अपनी अखां नाल देखिया। इधरों मक्के दे अंदर अब्दुल्ला बिन अब्बास भी कहंदे ने, दोपहर दा टाइम मैनू भी चंद घड़ियां वास्ते नींद आंदी है, मैं भी देखना वा मुस्तफा की ज़ियारत होंदी है, अल्लाह दे नबी दे खून ते कतरे नज़र आंदे ने, बड़ी परेशानी शख्सियत नज़र आ रही है। मैं की आकाऊ इस हालत के अंदर क्यों जे, अल्लाह के महबूब ने फरमाया बा अब्दुल्ला अज करबला के अंदर मेरा हुसैन शहीद होया वम, उन्होंने बेटे भाई शहीद होए ने, अज करबला के अंदर ये मंजर मैं देखता रहा, और उन्होंने हाथ के अंदर एक शीशी है, जे शीशी के अंदर खून आ। फरमाया मैं हुसैन के साथियों का खून अज सारी दिहाड़ी इस बोतल के अंदर जमा करता रहा।